Welcome students, another session of physics with the topic name current electricity. ये current electricity क्या है, इसके पीछे का logic क्या है और कौन से basis इसको work upon करवाते हैं. आइए देखिए, अभी से पहले जो आपने topic पढ़ा उसका नाम था electrostatics, which simply means charges which are at rest. और अब चार्ज को चलना है तो फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट. अब चार्ज फ्लो करता है तो हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी कह देते हैं. आपको मालूम है रेट का मतलब डिवाइड बाय टाइम होता है फिजिक्स की भाषा में. अगर हमारे पास चार्ज रेगुलर या यूनिफॉर्मली जा रहा है यूनिफॉर्म रेट से तो क्यू बाई टी है, और अगर वेरिएबल है तो डी क्यू बाई डी टी है. दैट इज कूलम पर सेकेंड, और कूलम पर सेकेंड की यूनिट है एम्पियर. ये एम्पियर एसआई यूनिट है. आज के बाद कूलम एसआई यूनिट मत मानिएगा, एम्पियर को एसआई यूनिट मानिएगा, डायमेंशन भी एम्पियर की मानिएगा. अब इधर देखिए, चार्ज मूव क्यों करता है, पहले उस क्वेश्चन में बात करते हैं. चार्ज क्यों मूव करता है, ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके थे. चार्ज मूव्स टू इक्वेट पोटेंशियल, माने ड्राइविंग फोर्स चार्ज के मूवमेंट में पोटेंशियल डिफरेंस होती है. अब इस पोटेंशियल डिफरेंस को हमें जनरेट कैसे करना है, कोई डिवाइस चाहिए. ये हमारे पास होता है सेल. सेल का बेसिक अगर आपको ध्यान रखना हो तो आपने पिछली क्लास में एक इलेक्ट्रोकेमिकल में रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी केमिस्ट्री में, जिसमें जीरो पोटेंशियल हाइड्रोजन का होता है, जिंक का प्लस होता है, कॉपर का माइनस, ऐसे सबके पोटेंशियल होते हैं जो ये बताते हैं कि कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस कर सकता है. वही पोटेंशियल बेसिकली जेनरेशन ऑफ दैट पोटेंशियल इज कॉज ऑफ द सेल. मैंने मान लीजिए मैंने एक प्लेट में एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, हाइड्रोजन का पोटेंशियल जीरो है और लेट्स से जिंक का वन है, कॉपर का 0.3 है माइनस में, तो अगर मैंने एक इलेक्ट्रोड जिंक का लगा दिया और एक कॉपर का लगा दिया, मेरा पोटेंशियल 1 + 0.3, क्योंकि -3 नीचे है. तो पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे मैंने शुरू में आपको हमेशा कहा पोटेंशियल डिफरेंस महत्वपूर्ण है, पोटेंशियल की कोई वैल्यू नहीं है. तो 1.3 उस सेल का ईएमएफ आ गया. आप लोग अपने अपनी बैटरीज में, फोन की बैटरीज में, घर की वोल्टेज जरा थोड़े चेक कीजिए, अपने लैपटॉप की बैटरी चेक कीजिए, आपको थोड़ा अंदाजा लगेगा हाँ ये पोटेंशियल डिफरेंस है. और जितनी चीजें आप चेक करेंगे उनके अंदर आप देखिए कम से कम दो टर्मिनल्स है. तीसरा टर्मिनल अर्थ का होता है, दो टर्मिनल्स है. वो क्या है वो अब हम पढ़ेंगे, उन टर्मिनल्स की वैल्यू. तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास सेल से बनता है, और कई सेल अगर एक साथ जोड़ दीजिए उसी का नाम बैटरी होता है. कार की बैटरी में 6 सेल है, ट्रक की बैटरी में 6 सेल है, हर सेल 2 वोल्ट का होता है इन ऑटोमोबाइल में, बाकी अलग अलग बैटरियां आपको मालूम है. अब बैटरी और सेल ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि एक सेल का अगर 2 वोल्ट है 6 सेल का 12 वोल्ट हो जाएगा, तो ये मिलकर के पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने से क्या होता है, जब आपको किसी कंडक्टर के अक्रॉस लगाते हो पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल फील्ड पैदा होता है. बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस है, मैंने पोटेंशियल ग्रेडियंट का ही तो नाम इलेक्ट्रिकल फील्ड था. सो इलेक्ट्रिकल फील्ड उस कंडक्टर के अक्रॉस लग जाती है जैसे ही आप उसके दो एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल लगा देते हैं. तो V बाई डी, वेर डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स और द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. अब थोड़ा इसको और समझिए, इससे होगा क्या, ये देखिए हमारे पास नॉर्मल इलेक्ट्रॉन एक हमेशा हैपजर्ड मोमेंट में रहता है. ऐसे इलेक्ट्रॉन हमारा चलता है, टकरे मारता रहता है दाएं बाएं. इसके चलने को हम लोग थर्मल वेलोसिटी कहते हैं, इनफैक्ट इसको थर्मल स्पीड कहना चाहिए, पर हम थर्मल वेलोसिटी कहते हैं. स्पीड इसके लिए कि इसका नेट जीरो है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जोर जोर से वाइब्रेट करेगा लेकिन रहेगा वही का ही, तो नेट वेलोसिटी नहीं होती है. एनीवे, तो थर्मल वेलोसिटी इसके अंदर होती है जो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, और इसी कारण से शायद आप समझे कि जीरो केल्विन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी का इलेक्ट्रॉन रुक जाना ये फिजिकली मतलब ये नेचर में पॉसिबल नहीं है. अब जैसे ही मैंने इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर टाइप में धक्का सा लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट इस मोशन देखिए ये पूरा एक्सटेंडेड है, कोलिजन्स भी है, लेकिन धीरे धीरे करके इलेक्ट्रॉन थोड़ा राइट साइड पे चला गया. आप इस पाथ को देखिए, ये यहां से यूं जा रहा है, यहां पर यहां से यूं जा रहा है, फिर ये इधर गया, इधर गया, तो आप देख रहे थोड़ा थोड़ा ये राइटवर्ड धीरे धीरे मूव करता गया. दूसरे शब्दों में एक दोनों को कंपेयर करें तो कुछ समय बाद इसमें इलेक्ट्रॉन यहां पर टेका हुआ था और इसमें इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, तो ये जो ये बीच का डिस्टेंस है, दिस इज द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन ऑन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड. सो ऑन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इलेक्ट्रॉन थोड़ा चलता है एक पर्टिकुलर साइड में, यही
इसी को दूसरे भाषा में कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे एक तरफ जा रहा है, कोलिजन्स होते हैं अंदर, इस वजह से स्ट्रेट नहीं जाता है, धीरे धीरे करके जाता है, ड्रिफ्ट करता है, इसको ड्रिफ्टिंग ऑफ वेलोसिटी कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो फोर्स इलेक्ट्रॉन पर लगती है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिकल फील्ड, आपको मालूम है क्यूवी का फॉर्मूला, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड कहां से आया, वी बाई डी से, अभी हमने डिस्कस किया। उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड, वैसे नॉर्मल भी करता है, अभी भी करता रहेगा। अब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट्स टुवर्ड पॉजिटिव एंड हेंस ड्रिफ्टिंग स्पीड, इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इनफैक्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन भी यही है, वेलोसिटी इन एक्सेस ऑफ थर्मल वेलोसिटी ऑन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर नहीं है तो वो थर्मल स्पीड है। अब कुछ टर्म्स हमें सीख लेने पड़ेंगे, क्योंकि जब हम डेरिवेशंस वगैरह करेंगे तो वो हमारे दिमाग में क्लियर होने चाहिए। अब एक देखिए मीन फ्री पाथ, देखिए हम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमेशा टक्कर मारता रहता है, दूसरे शब्द में उसका काम टक्कर मारना, लड़ना झगड़ना आप कह सकते हैं। तो दो टक्करों के बीच का जो भी डिस्टेंस होता है उसका नाम मीन फ्री पाथ है। सो मीन फ्री पाथ में जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो स्ट्रेट जाएगा, क्योंकि वो प्रॉब्लम उसको नहीं है। अब दो टक्करों के बीच के टाइम का नाम रिलैक्सेशन टाइम है, विच इज डिनोटेड बाय टाउ। मीन फ्री पाथ को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, इसको टाउ से डिनोट करते हैं। तो जितनी देर तक इलेक्ट्रॉन टक्कर नहीं मार रहा उतनी देर तक उसका नाम रिलैक्सेशन टाउ है। फिर एक शब्द है नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। थोड़ा इसका आइडिया हम ले लेते हैं। देखिए नंबर डेंसिटी क्या होता है, आप थोड़ा सा सोचिए, हमारे पास कोई भी अगर मॉलिक्यूल मेटल है, जैसे आयरन मेरे पास अगर 58 ग्राम्स है, आपको पता है आयरन का मॉलिक्यूलर वेट 58 ग्राम्स है, इसका मतलब 6.022 × 10²⁰ इतने उसमें एटम हैं, 10²⁰ की रेंज में उसमें एटम हैं। और हर एटम में अगर वो मोनोवेलेंट है तो एक, डाइवेलेंट है तो दो, ट्राइवेलेंट तो तीन इलेक्ट्रॉन सरप्लस हैं, जो बाहरी शेल वाले होते हैं, वही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। तो 10²⁰ की रेंज में मेरे पास नंबर डेंसिटी होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम की। तो इसके बेसिस के ऊपर हम क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो बिजली को या चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, इनफैक्ट दे आर द कॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसके लिए इतने ज्यादा इसमें होते हैं। तो ये रहा हमारा कॉन्सेप्ट। इसके साथ हमें अब इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे अगले वीडियो के अंदर, जिसमें हम इसकी डेरिवेशन के मैथमेटिकल पार्ट पे जाएंगे कि किस तरह मूव करता है और इनका फर्क क्या होता है। ये जो इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है इसका बेसिक्स अगर एक बार आप समझ लेंगे तो आगे वाले चीजों में कोई परेशानी नहीं होगी। आई होप वी हैव गॉट इन टू द बेसिक कॉन्सेप्ट कि इलेक्ट्रॉन पर पोटेंशियल ग्रेडियंट की वजह से फोर्स लगता है, वो आगे चलता है, टक्कर मारता है और धीरे धीरे एक तरफ से दूसरे तरफ ड्रिफ्ट करता है, और यही वेलोसिटी उसके मूवमेंट का कारण है, इसी वजह से करंट इलेक्ट्रिसिटी बनती है। थैंक यू। अगले वीडियो में मैं आपको इसके बेसिक्स मैथमेटिकल पार्ट पर लेके चलूंगा, उसको हम और आगे डिटेल में समझेंगे। थैंक यू।